मैं चिड़चिड़ी हूँ सर, जब इंसान सुबह से कुछ खाता नहीं ना तो इंसान चिड़चिड़ा ही बन जाता है। सुबह से आपके चक्कर में भूखी प्यासी घूम रही हूँ। आपके आगे पीछे तो 50 नौकर घूमते होंगे खाना लेकर, पर मुझे तो अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना हो। और हाँ, वो भी आपकी नौकरी से फुर्सत मिले तब। क्या हुआ सर? हाँ नहीं कुछ नहीं। सुनो गीत, मैं जानबूझकर तुमसे लेट नाइट काम नहीं करवाता। तुम ही अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो। एक भी ऐसी लड़की नहीं भेजी जो मेरे मंगेतर बनने के लायक हो। इतनी सारी लड़कियां ढूंढ चुकी हूँ और आप कह रहे हैं मैं अपना काम ढंग से नहीं करती। इन्हें तुम लड़कियां कहती हो? उस दिन तो बड़े एटीट्यूड में बोल रही थी कि मैं आपके लिए आसमान से परी लेकर आऊंगी। अरे इन्हें देखे पाताल की राक्षसियां भी शर्मा जाएगी। देखिए सर, एक तो आप उल्टी सीधी शर्तें रखते, फिर डिमांड करते कि आपको मंगेतर चाहिए, और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसे मुस्कुराना ही नहीं आता। चीत। सर, फिर आप कहते कि वो लड़की आपका नाम चिल्लाए जैसे आप कोई फिल्म के हीरो हो। मान खुराना, मान खुराना, मान, मान, मान। बट मैम, आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकती। परी को कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती। परी को मान खुराना से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मान। मान। स्पेशल स्पेसिमेन को इंटरव्यू के लिए तुम नहीं बुलाया होगा ना? कमाल की चॉइस है तुम्हारी। नहीं तो कौन हो तुम? परी। परी? देखो मेरे लिस्ट में कोई परिवारी नहीं है। इधर देखो, मुझसे बात करो। और उधर क्या दिख रही हो? हेलो, हेलो, इधर देख के बात करो। ये लड़की भी ना, ये लड़की तो तेरी बात ही नहीं सुन रही। देखो, तुम्हें लटकने का इतना ही शौक है ना, तो कोई बाग बगीचे में जाकर लटको ना। देखो, अच्छे आदमी के कॉलर को डाल मत समझो, समझी? मेरी बात ही नहीं सुनती। नाटक खत्म हो, अब घर जाओ। अरे जाओ, इधर आओ। मानसर का भाई। जान दीजिए मैम, मैंने बाहर लेके जाता हूँ। इसी जल्दी लेकर जाओ। और मानसर का पेन तो दे दीजिए। ओए हेलो, कैसी अजीब लड़की, ना ही कुछ बोलती है ना ही कुछ कहती, बस आकर गले पड़ गई और मानसर का पेन भी लेकर चली गई। सच में इस लड़की को मैंने नहीं बुलाया, आप ही बोलो। ऐसी पागल लड़की को मैं बुलाऊंगी क्या? देखा ना सर आपने, देखा ना, आते आते यहाँ पर गिर गई और आपका पेन भी लेकर चली गई। कैसी चिपकू लड़की है वो, इसके माँ बाप इसे कुछ सिखाते नहीं होंगे, भगवान जाने क्या करती है। मुझे यही लड़की चाहिए।
हाँ गीत, मुझे यही लड़की चाहिए, जाके से बुला कर लाओ। आपको ये लड़की चाहिए? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपको पसंद है तो ठीक है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है गीत। चलो देखते हैं तुम कब तक ये छुपा छुपी का खेल खेलती हो, कब तक तुम सच नहीं मानती हो। मानसर को वो लड़की पसंद आ गई? हाँ हाँ, क्यों पसंद नहीं आती? छोटे कपड़े जो पहनती है और आती उनकी गली जो लग गई। अब आधी रात को कहाँ ढूंढ लूंगा उस शेर की। भैया जी, आपने उस लड़की को कहीं जाते हुए देखा है? पता नहीं मैडम, जिस तरह ऐसे आई थी उसी तरह से गायब हो गई। आप भी जाइए। जी मैम। लो बताओ, अब पटकूंगी तो मैं ही ना उस लटकने वाली को ढूंढने के लिए। बारे वाह किस्मत, अच्छी दुश्मनी निकाल रही है तू मुझसे। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है मैंने। अब इतने बड़े दिल्ली शहर में कहाँ ढूंढूंगी उसे? और ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सोचूंगी वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। परी कौन है, कहां से आई है, क्या करेगी, भगवान जाने। ये मानसर भी ना। पापा जी संभाल लेना। सो मिस्टर ड्रीमी, आज तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखती रहे। कोई तो ड्रीमी कैसे हो सकता है? और पता है मिस्टर ड्रीमी, हमारी आज की मुलाकात भी एक ड्रीम की तरह थी, किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। चिकर कर रही है, और मानसर का पोस्टर दीवार पर क्यों चिपका है? और आज मिलते ही तुमने मुझे एक गिफ्ट भी दे दिया। हाउ स्वीट। और वैसे भी गिफ्ट तो बनता है बॉस, क्योंकि परी तुम्हारे लिए ही मुंबई से दिल्ली आई है। ओके, इट्स माय टर्न, रिटर्न गिफ्ट राइट? अब ये क्या कर रही हो? प्यार, सिर्फ प्यार।